जी तो कैसे आप सब, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका भाई एक और वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हो चुका है। जनाब आज की वीडियो जो है वो बड़ी खूबसूरत और बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि मैं जनाब खूबसूरत इसलिए बोला है कि मैं इंडिया के एक बहुत ही खूबसूरत सिटी पे रिएक्शन करने जा रहा हूँ। तो ये स्पेशल रिक्वेस्ट मुझे 5-6 वीडियोस में मेरी आई थी कि भाई इस सिटी पे जो है वो आप रिएक्शन दें। जनाब वीडियो का नाम है हैदराबाद द हाईटेक सिटी कैपिटल ऑफ तेलंगाना। तो इस वीडियो में क्या है, पहले वीडियो देखते हैं फिर इस पर बात करते हैं। आगे जाने से पहले अगर अभी चैनल अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, और ये जनाब बिल्कुल फ्री है, इस पर कोई पैसे नहीं लगते। तो वीडियो की तरफ चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जनाब साउथ इंडियन स्टेट तेलंगाना स्टेट का कैपिटल सिटी है हैदराबाद। हैदराबाद इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड बिगेस्ट मेट्रोपॉलिटन सिटी है। इंडिया का टॉप 10 हायर जीडीपी रैंकिंग सिटीज में हैदराबाद शामिल है। अच्छा, टॉप जो 3 जीडीपीज है, हाई जीडीपी। पिछले सालों में शहर में लगातार चेंजेस देखने के लिए मिला है। शहर में रैपिडली चेंज हुआ है, हाई राइज स्काईलाइन से लेके मेट्रो मल्टीप्लेक्स तक, आईटी एंड सॉफ्टवेयर कंपनी से लेके यंग स्टार लाइफ तक, स्टैचू ऑफ यूनिटी यहां पे बना हुआ है, ये स्टैचू ऑफ यूनिटी लग रहा था मुझे, वाइब्रेंट नाइट लाइफ स्टाइल तक, लॉट्स ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी, टूरिज्म हब, बिरयानी हब, इंटरनेशनल ब्रांड, मल्टी हब, मतलब कुछ कमी नहीं है यहाँ पे। एक ट्रूली कॉस्मोपॉलिटन सिटी लाइफ स्टाइल यहाँ पे मौजूद है, जो हैदराबाद को बनाता है इंडिया का यार क्या ब्रिज है, रेजिडेंट एंड वर्क कल्चर लाइफ, क्या ब्रिज है, ब्यूटीफुल। इस समंदर के ऊपर बनाया गया है, कोई दरिया है, कोई नहर है, क्या है ये? दरिया है, डेफिनेटली दरिया है ये। अच्छा लेक है। So many interesting facts about Hyderabad city. जो okay. आगे हम हैदराबाद को वर्चुअल एक्सप्लोर करने के साथ साथ जानेंगे। हैदराबाद द सिटी ऑफ पल्स, द सिटी ऑफ निजम नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे हिस्टोरिक मोनुमेंट्स, स्ट्रक्चर्स, रॉयल फोर्ट्स, अमेजिंग फूड, द बेस्ट पार्ट इज हैदराबाद वेलकम्स पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री, नो मैटर व्हाट यू लुक लाइक और व्हाट लैंग्वेज यू स्पीक। हैदराबाद के लोग बहुत ही जल्द आपको अपना लेते हैं और आप कभी ये फील नहीं करोगे कि आप इस शहर में नए हो। हर एक शहर की कुछ यूनिक बातें होती है, एंड आई थिंक ये हैदराबाद की सबसे यूनिक चीज है। क्या बात है, ये मैनहट्टन टाइप ये स्क्राइस्क्रैपर्स नजर आ रहे हैं यहाँ पे। हैदराबाद एक टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के तरफ सामने आया है इंडिया में। यहाँ पे बहुत ही ज्यादा आईटी पार्क्स एंड आईटी सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, ओके, इसलिए इसको हाईटेक उन्होंने लिखा हुआ है, हाईटेक सिटी। ज्यादा से ज्यादा यंगस्टर्स को हैदराबाद शहर। अच्छा, अमेज़न डेवलपमेंट सेंटर है यहाँ पे, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल जैसे जाने माने इंटरनेशनल कंपनीज का बैक ऑफिस हैदराबाद में मौजूद है। अच्छा, यहाँ पे बहुत बड़ी कंपनीज का ऑफिस मौजूद है। इतने सारे आईटी एंड सॉफ्टवेयर कंपनीज के ऑफिस यहाँ पे होने के कारण हैदराबाद की इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलता है। अगर हैदराबाद की नॉमिनल जीडीपी की हम यहाँ पे बात करें तो 2021 में 74 बिलियन यूएसडी के साथ इंडिया में 6 रैंक पर है एंड वर्ल्ड में 93 नंबर पर है। हैदराबाद एक फ्यूचरिस्टिक सिटी है और इसको ध्यान में रखकर यहाँ पे नए नए इनोवेशन को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, जो शहर के लोगों को बेहतरीन लाइफस्टाइल प्रोवाइड करता है। यार बहुत खूबसूरत, शहर में एक यूनिक डाइवर्सिटी देखने के लिए मिलता है, जहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन एंड अदर्स, हर मजहब के लोग रहते हैं। यहाँ पे मुस्लिम्स की तादाद काफी है, मिलजुल के रहते हैं। क्या यार नाइट व्यू है, क्या खूबसूरत लग रहा है, क्या कलर्स हैं, मनाते हैं। अगर शहर की ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो शहर रेल, एयर एंड बाय रोड से पूरे देश के साथ कनेक्टेड है। क्या बात है, क्या बात है यार, स्टेशन इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट, ये पूरा फ्लैग बनाया हुआ है इंडिया का बिल्डिंग में। हैदराबाद एयरपोर्ट जो कि राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नाम से जाना जाता है और ये इंडिया का वन ऑफ द बिजिएस्ट एयरपोर्ट है, वन ऑफ द बिजिएस्ट एयरपोर्ट इंडिया का। ट्रैवल करते हैं, हैदराबाद पूरी तरीके से मेट्रो से वेल कनेक्टेड है, ये एक रैपिड ट्रांसिट मेट्रो है। क्या बात है यार, मुझे लंदन का अंडरग्राउंड इस तरह से लग रही है मुझे। इंडिया आफ्टर दिल्ली मेट्रो विद 57 ब्यूटीफुल। यहाँ पे टोटल 3 लाइन मौजूद है, रेड लाइन, ग्रीन लाइन एंड ब्लू लाइन। यूके में जनाब ऐसा ही होता है, पिकाडिली लाइन, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लाइन, सेंट्रल लाइन, ये पूरा मतलब वो लंदन में जो अंडरग्राउंड चलती है उसमें भी इसी तरह से होती है लाइन, तो ये मुझे वही लग रहा है। हैदराबाद 650 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है। पिछले कुछ सालों में हैदराबाद रैपिडली ग्रो किया है हर दिशा से, खासकर आईटी इंडस्ट्री। क्या बात है यार, क्या बात है, काफी सारे जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुआ है। दोस्तों हैदराबाद की इतिहास भी बहुत ही दिलचस्प रहा है, जो आपको जरूर जानना चाहिए। हैदराबाद को 1591 में मोहम्मद कुतुब शाह ने स्थापित किया था। 1947 में जब हिंदुस्तान को आजादी मिला तब यहाँ के शासक निजाम था, जिन्होंने आजादी के बाद भारत में शामिल होने के बजाय एक अलग इंडिपेंडेंट स्टेट बनाना चाहते थे, लेकिन भारत सरकार इसके खिलाफ था। निजाम ने पाकिस्तान की मदद से इस बात को यूनाइटेड नेशन तक ले जाना चाहते थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो
समय गृह मंत्री थे उनको ये बात मंजूर नहीं था। अच्छा, इनका स्टैचू बना हुआ ना, स्टैचू ऑफ यूनिटी, जहाँ पे आर्मी टुकड़िया हैदराबाद में भेजी गई थी। उसके दो दिन बाद हैदराबाद भारत में शामिल हुआ था। क्या बात। चलिए पास्ट से निकलकर आज के हैदराबाद पर बात करते हैं। हाँ, आज के हैदराबाद पर बात करते हैं। ओह मैन, ओह मैन, क्या बात है यार, हैदराबाद का आसमानी नजारा खूबसूरत। ब्यूटीफुल। अच्छा, ब्रिज तो बन गया, उसको बस कलर्स का कमाल है उसमें। क्या बात है, जिसका वेट 450 टन, 450 टन वजन है इसका स्टैचू का। हैदराबाद नेचुरल पार्क्स का चीफ प्रोड्यूसर है। क्या बात, को सिटी ऑफ पार्क्स भी कहा जाता है। कोहिनूर हीरा, जो दुनिया का सबसे महंगा हीरा है माना जाता है, इस हीरे को हैदराबाद के पास गुंटल जिले में मिला था। बट सैड पार्ट इज, कोहिनूर हीरा इंडिया के पास अभी नहीं है। ये हीरा अभी यूनाइटेड किंगडम के रानी का सर का ताज का शान बना हुआ है। ठीक है, अब क्वीन जो ना अभी नहीं रही, बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो थोड़ी सी पुरानी है, क्वीन अभी नहीं बजी। 3D स्क्रीन है और दुनिया का बड़े थिएटर में से एक है। इस थिएटर में करीब 635 लोग एक साथ बैठ के सिनेमा देख सकता है। हैदराबाद आने पर यहाँ पे आपको जरूर जाना चाहिए। हैदराबाद हाईटेक कन्वेंशन सेंटर, कोई भी इवेंट, ओकेजन और कॉन्फ्रेंस के लिए जगह बिल्कुल परफेक्ट लोकेशन है। पूरे एरिया 53 एकड़ लैंड में बना हुआ है। हैदराबाद की बात करें और फिल्म इंडस्ट्री की बात ना हो ये नहीं हो सकता। बाहुबली जैसे ब्लॉकबस्टर फिल्म तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री ही है और सारे एक्टर एक्ट्रेस बहुत बड़ी इंडस्ट्री है भाई, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। कभी कभी तो मुझे लगता है बॉलीवुड को पीछे छोड़ी, ऐसी ऐसी मूवीज बन रही है यहाँ पे इंडस्ट्री है। और पाकिस्तान में ये मूवी बहुत ज्यादा देखी जाती है इस इंडस्ट्री की। तेलुगु सबसे बड़ा फिल्म स्टूडियो भी हैदराबाद में मौजूद है। जी हाँ, हैदराबाद में रामोजी फिल्म स्टूडियो दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म स्टूडियो है। इसे 1996 में ओपन किया गया था। गिनीस वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी रामोजी फिल्म स्टूडियो अपना नाम दर्ज करा ली है। करीब 1700 एकड़ जमीन के अंदर स्टूडियो को बनवाया गया है, जहाँ पे परमानेंट रेलवे ट्रैक, रेलवे स्टेशन, टेम्पल सब कुछ मौजूद है। हैदराबाद में काफी सारी यूनिवर्सिटी भी शामिल है, जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, ANG राघा आंध्र प्रदेश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस काफी फेमस है। हर तरीके से इस शहर में हर हर चीज है। 0.04% हैदराबाद में नीलाम एक सिंगल फ्लोर की बिल्डिंग है। आजादी के बाद निजाम से ये बिल्डिंग ले लिया गया और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सचिव को सौंप दिया गया था। साल में एक बार एटलीस्ट प्रेसिडेंट यहाँ पे आते हैं और यहाँ से सारे ऑफिशियली काम काज संभालते हैं। हैदराबाद में मूसी नदी के पास डैम की वजह से यहाँ पे काफी सारे दरिया को नदी बोला जाता है, जिसमें हुसैन सागर, ये दरिया है, 40 लेक्स है, 140 लेक्स शामिल है। इसी पे वो बनाया गया है स्टैचू ऑफ यूनिटी। ये हैदराबाद की शान और लैंडमार्क भी है। इस चार मीनार को 1591 में 1500 चार मीनार 1591 में बनाया गया था। पार्क भी हैदराबाद में मौजूद है, स्नो वर्ल्ड थीम पार्क। अच्छा, इसमें क्या है, के ऊपर बनवाई गई है। हैदराबाद का पीवी नरसिम्हा राव एलिवेटेड कॉरिडोर 11.6 किलोमीटर का लॉन्ग एलिवेटेड कॉरिडोर है। वेरी डिटेल्ड वीडियो यार, म्यूजियम जबरदस्त, बेस्ट म्यूजियम है। यहाँ पे 40,000 से भी ज्यादा कलेक्शन है पूरी दुनिया का। और जैसे कि मैंने पहले ही कहा था, अभी हैदराबाद एक हाईटेक सिटी बन चुका है और इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग आईटी सिटी। राइट, यहाँ पे इंटरनेशनल कंपनीज अपना सेटअप लगाया है, लाइक माइक्रोसॉफ्ट, याहू, वायरलेस, नोकिया, डेल, AMD, Amazon, जितनी बड़ी कंपनीज हैं, जितनी बड़ी कंपनीज हैं, सबके सेटअप्स मौजूद हैं हैदराबाद। ऐसे तो हैदराबाद में काफी सारे टूरिस्ट पैलेसेस मौजूद हैं, जहाँ पे आपको जरूर जाना चाहिए। इसमें चार मीनार से लेके गोल्डन फोर्ट, रामोजी फिल्म सिटी से लेके हुसैन सागर लेक तक, बिरला मंदिर से लेके जल विहार तक, छो महल्ला पैलेस से लेके लुम्बिनी यार ब्यूटीफुल नाइट व्यू कमाल होता है यार, नाइट व्यू कमाल है। सालेजंग म्यूजियम से हजारों कलर्स आपको देखने को मिलते हैं। बाउंड से लेके स्नो वर्ल्ड तक, लाट बाजार से लेके एंटीयर गार्डन तक, वेरी ट्रेडिशनल से लेके ताज पालकुमा पैलेस तक, माउंट ओपेरा से लेके तारामाटी बर्दारी तक, इन सारे जगह पर हैदराबाद विजिट करने पर आपको क्या बात है यार। दोस्तों हैदराबाद को एक्सप्लोर करें और हैदराबादी बिरयानी भूल जाए तो हैदराबादी बिरयानी तो भाई मशहूर है, बहुत मशहूर है। पाकिस्तान में सिंधी बिरयानी और इंडिया में हैदराबादी बिरयानी, यहाँ से ही हुआ था। और करीब 140 तरीके का वैरायटी से हैदराबादी बिरयानी में। ऐसा तो हैदराबाद के बारे में जितना कहे उतना ही कम है। आपको यहाँ पे वाइब्रेंट लाइफस्टाइल मिलता है, हिस्ट्री मिलता है, प्यारे लोग हैं, बिरयानी के लिए फेमस है और जो एक शहर में होना चाहिए वो सब कुछ मौजूद है यहाँ पे, बल्कि उससे ज्यादा ही है जो वीडियो में मुझे नजर आ रहा है। करके मजा आया होगा। आप कमेंट पर जरूर बताना हैदराबाद की कौन सी चीज आपको सबसे अच्छा लगा। अगर जी हैदराबाद की कौन सी चीज आपको सबसे अच्छी लगी,
यार सिटीज पे रिएक्ट करने के लिए मुझे बोला जा रहा था, रिक्वेस्ट भी आ रही थी, तो एक भाई ने मुझे दो तीन मैसेजेस किए, तो मैंने कहा यार सिटीज़ पे करना चाहिए, क्योंकि इससे पहले मैंने मनाली पे किया और शिमला पे किया, तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि इंडियन जो सिटीज़ है उसको ज़रा एक्सप्लोर किया जाए थोड़ा सा। तो उस हवाले से वीडियो, अच्छी वीडियो ढूंढना भी जो है ना वो मुश्किल काम होता है, जिसमें तमाम एस्पेक्ट्स पे बात की गई हो, तो ये बहुत ज़बरदस्त वीडियो मुझे मिली और इन भाई साहब ने बहुत डिटेल और बहुत कमाल की वीडियो बनाई है। मतलब जो बंदा ये वीडियो देख लेता है उसको पूरा के पूरे हैदराबाद में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या क्या वहाँ पे प्रोग्रेस हो रही है, सब कुछ समझ में आ जाता है। इंडिया की जिस भी सिटीज़ को मैं देख रहा हूँ आजकल, अभी तक मैंने दो तीन सिटीज़ देखी हैं, उसके बाद क्या कहते हैं डेवलपमेंट के हवाले से मुख्तलिफ वीडियोज़ देखी हैं, तो प्रोग्रेस तो भाई हो रही है और नज़र भी आ रही है। तो वही बात है ना कि काम ऐसा करो जो कि दुनिया को नज़र आए, आपको खुद बताना ना पड़े, दुनिया को नज़र आए। तो इंडिया भारत प्रोग्रेस कर रहा है और वो प्रोग्रेस नज़र आ रही है। हैदराबाद सिटी देख के मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत खूबसूरत सिटी लग रहा है और यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी काफ़ी ज़्यादा है, और हमें जो हैदराबाद के बारे में हमारा कॉन्सेप्ट है वो है जनाब, सबसे पहले जब जेन में आता है हैदराबादी बिरयानी, एक बड़ा मशहूर सा एक फ़िक्रा बन गया हुआ है, तो डेफ़िनेटली जो बिरयानी है हैदराबाद की बहुत मशहूर है, तो पाकिस्तान में मशहूर है सिंधी बिरयानी। और मज़े की बात आपको बताऊं कि पाकिस्तान में भी एक हैदराबाद है, हैदराबाद सिटी पाकिस्तान में भी है, लेकिन उसको हमारे जो हैदराबाद के से कोई कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, क्योंकि अभी वो सिटी उस तरह से नहीं है। तो बहरहाल हर किस्म की फैसिलिटीज़, और मज़े की बात क्या है कि जितने भी बड़ी बड़ी दुनिया की कंपनीज़ हैं उनके ऑफिसेज़ हैदराबाद में मौजूद है, चाहे वो याहू हो गया, चाहे वो गूगल हो गया, चाहे वो अमेज़ॉन हो गया। हाईटेक सिटी के हवाले से इसलिए बात की जा रही है कि यहाँ पे जो क्या कहते हैं आईटी के हवाले से जो काम किया जा रहा है हैदराबाद सिटी में वो बहुत ज़्यादा है। इंडिया को जो रेवेन्यू दे रही हैं सिटीज़, उसमें पूरे इंडिया में मेरा ख्याल 5 या 6वें नंबर पर रैंक आ रहा है हैदराबाद का, जो वीडियो में बता रहे थे। तो बहुत खूबसूरत सिटी, और इसके जो क्या कहते हैं सीन्स मैंने देखे हैं, उसके बाद ये ड्रोन व्यूज़ हैं और जो नाइट व्यू है कमाल। उसके बाद मुझे याद पता चला कि जो स्टैचू ऑफ यूनिटी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे क्लियर कीजिएगा, वो जो स्टैचू दिखा रहे थे क्या वो स्टैचू ऑफ यूनिटी ही था? तो वो हैदराबाद में बना हुआ है नदी के ऊपर। और उसके अलावा रोड स्ट्रक्चर, उसके बाद ब्रिज, एक जो था उस ब्रिज का नाम नहीं बताया गया, वो ब्रिज काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड था वीडियो में, मतलब उसको काफ़ी ज़्यादा दिखाया गया है। उसको नाइट व्यू भी उसका बड़ा खूबसूरत दिखाया गया, बहुत से कलर्स उसमें नज़र आ रहे हैं। तो वो ब्रिज कौन सा रहा, उस ब्रिज का नाम मुझे ज़रूर बताइएगा। तो और क्या बोलूँ मैं, मतलब जो एक तरक्की याफ्ता सिटी में होना चाहिए, जिस शहर ने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की हो, जो शहर बहुत ज़्यादा एडवांस हो, जो चीज़ें किसी एक शहर को एडवांस बनाने के लिए किसी सिटी में मौजूद होनी चाहिए, वो हैदराबाद में मौजूद है। तो आने वाले दिनों में लग रहा है कि हैदराबाद इंडिया के बहुत से शहरों को पीछे छोड़ जाएगा बहुत सी चीज़ों में। तो बस ये थी आज की वीडियो, होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट अगर आप मुझे कमेंट में बॉक्स में बताएं मैं किस वीडियो पर रिएक्शन दूँ, तब तक के लिए जा दीजिए।